हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौंदर्या। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेस्टर्न ड्रेप लेकर आई हूँ, जो कि 5 स्टाइल में अलग अलग तरीके के ड्रेप जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के अलग अलग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक कनकन स्कर्ट जो है वो वेयर की हुई है, ऊपर की तरफ एक टॉप वेयर किया हुआ है। सो ये एक ब्लाउज़ की तरह है। आप चाहे तो कोई टॉप वगैरह आप वेयर करना चाहते तो वो अलग तरीके से भी वेयर कर सकते हैं। सो देखिएगा, ये जो साड़ी है सैटिन सिल्क की है, बहुत सुंदर साड़ी है। लेकिन इसका जो फैब्रिक है ये पीछे की तरफ से थोड़ा सा अलग है, जो कि हम घर पर पर्दा वगैरह लगाते हैं, जो हम बाय करते हैं उस तरीके का ये थोड़ा सा फैब्रिक है। और इस तरीके की जो साड़ीज़ होती है थोड़ी सी ज़्यादा ही स्लिपरी होती है। तो अगर हम इसको ड्रेप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सेफ्टी पिंस है उसका हम यूज़ करें। तो देखिएगा, यहाँ पर कैनकन जो स्कर्ट मैंने वेयर की हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ वेयर किया हुआ है। नॉर्मली हम इसको थोड़ा सा नीचे कमर में वेस्ट पर लगाते हैं, वहाँ पर वेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ वेयर किया हुआ है। इससे ये जो मैं आपको ड्रेप दिखा रही हूँ, एक अम्ब्रेला ड्रेप जो होता है फ्रॉक की तरह, उसकी तरह इसका लुक आता है। सो इस तरीके से आप चाहे तो कोई भी टॉप वगैरह के साथ इसको वेयर कर सकते हैं और बहुत सुंदर ये ड्रेप लगता है। सो देखिएगा, नॉर्मली हमें सिर्फ साड़ी को इस तरीके से 1 बाय 1 सारी प्लेट्स बनाकर अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कनकन स्कर्ट या फिर केनकिन स्कर्ट भी इसको कहा जाता है वो नहीं है, तो डबल पेटीकोट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, अगर आपको फुला लुक चाहिए, फ्लफी लुक चाहिए, तो केनकिन स्कर्ट या फिर कोई स्कर्ट वगैरह जो आपके पास नॉर्मली है वो भी आप वेयर कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा अच्छा लुक, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आपके पास अगर वेस्ट पैड है तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे इसका लुक जो है तो बहुत सुंदर लगता है। और फाइनली जो ड्रेप है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में आप इसको किसी भी पार्टी फंक्शन में इजीली वेयर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप दुपट्टा लेना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर ये लुक लगता है। तो अब मैं आपके साथ सेकंड वाली स्टाइल शेयर करना चाहूँगी। आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो देखिएगा, यहाँ पर साड़ी की जो मिडल पार्ट है उसको हम लेंगे, बराबर साड़ी के बीचों बीच का पार्ट लेना है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं अभी इसकी नॉट बांध लूँगी और अच्छे से टाइटली नॉट बांध लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो फैब्रिक है इसको अब मैं सामने की तरफ लेकर आऊँगी और पैर के नीचे से इसको इस तरीके से लेना है, जिस तरीके से धोती ड्रेप हम करते हैं उसी का न्यू वर्जन हम इसको कह सकते हैं। सो इसको पैर के नीचे से निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसकी हमें प्लीट्स बना लेनी है 1 बाय 1, ज़्यादा चौड़ी नहीं, मीडियम लेंथ की हम यहाँ पर बनाएंगे और अच्छे से इन प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे। ये जो साड़ी है बहुत ही सॉफ्ट है और सिल्की भी उतनी ही है। सो प्लीट्स अच्छी तरीके से बनेगी तो अच्छा लुक आएगा। और पीछे की तरफ इसका जो लुक है, ये थोड़ा सा फैब्रिक पीछे की तरफ वाइट कलर का दिया हुआ है, सो इसके लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसको मैं कंधे पर इस तरीके से मेरे राइट वाले शोल्डर पर डाल दूँगी और एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा लूँगी। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने टॉप वेयर किया हुआ है, उसके साथ आपको दिखा रही हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने अभी जो राइट साइड का पोर्शन है वो भी पैर के नीचे से निकाल लिया है और इसको भी अब मैं इसी तरीके से प्लीट्स बनाऊँगी और अच्छे से सेट करके मेरे लेफ्ट वाले कंधे पर, शोल्डर पर इसको डाल दूँगी। यहाँ पर प्लीट्स बनाने के बाद अच्छे से इसको अरेंज भी हम करेंगे। और ये वाली जो ड्रेप है, आप अगर किसी पार्टी फंक्शन के लिए वेयर करना चाहते हैं तो इजीली वेयर भी कर सकते हैं। एक वेस्टर्न लुक में बहुत ही अच्छी ड्रेप ये लगती है। किसी भी इनर वेयर के साथ हम इसको इजीली ड्रेप कर सकते हैं। सो देखिएगा, इस तरीके से अभी यहाँ पर जो प्लीट्स हमने बनाई है उन सारी प्लीट्स को भी अच्छे से अरेंज करेंगे, क्योंकि फाइनल जो लुक आएगा वो प्लीट्स वगैरह अच्छी तरीके से हमारी आएगी तो अच्छा लुक यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सो देखिएगा इस तरीके से, और पीछे वाली जो हमारी ये प्लीट्स आई थी, पीछे वाला जो पल्लू की पोर्शन आए हैं, सो इसको इस तरीके से क्रॉस करते हुए अब मैं इसको मेरे कमर के फैब्रिक में टक इन कर दूंगी। बाद में यहाँ पर एक वेस्ट बैंड के साथ हम इसको कैरी कर लेंगे। सो फाइनल जो लुक है वो बहुत ही सुंदर इसका आता है। आप चाहे तो इस तरीके के, मैंने टॉप के साथ वेयर किया हुआ है तो आप इस तरीके से वेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इसको
फाइनली वेयर कर सकते हैं। पीछे से भी ये बहुत सुंदर लगता है। और देख सकते हैं आपके कोई रेडीमेड ड्रेस वगैरह होता है उसी की तरह इसका फाइनल जो लुक है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। और दोनों तरफ से हमारी जो प्लीट्स आती है उसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत सुंदर लगता है। सो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी थर्ड लुक के लिए यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक वेस्ट बैंड जो है तो मेरे कमर में लगा लिया है और उसके बाद में साड़ी का जो पोर्शन है सभी तो हम यहाँ पर इसकी प्लीट्स बना लेंगे और जितना पल्लू का पोर्शन बचता है सो उतना पोर्शन अब मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। बाकी की जो बची हुई साड़ी है सभी की हमें प्लीट्स बना लेनी है और अच्छे से इनको अरेंज कर लेना है। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा कर प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और इस तरीके से अब मैं इसको हमने जो इलास्टिक कमर में वेयर किया था उसको वहाँ पर टक इन कर देंगे और इस तरीके से इसको लाते हुए अब मैं टक कर दूंगी। बाद में जो पल्लू का पोर्शन हमने रखा था उसको अब मैं इस तरीके से लूंगी और यहाँ पर इसको जो है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए कमर में टक इन कर देना है। देन टक इन करने के बाद यहाँ पर ये जो फैब्रिक बचता है सो इसको अब हम बस्ट पर इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको सेफ्टी पिन्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी सो सेफ्टी पिन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये वाला भी फाइनल जो लुक है वो बहुत सुंदर लगता है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत है आप लगा सकते हैं। सो फाइनल लुक इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर भी वेस्ट बैंड का मैंने यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो लगा सकते हैं और वेस्ट बैंड नहीं लगाना चाहते तो वैसे भी नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक अगर आपको चाहिए तो ये भी लुक आप ट्राई करके वेस्ट बैंड के साथ बना सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपके साथ फोर्थ वाला लुक जो है तो वो शेयर करना चाहूँगी। सो हमने जो सेकंड वाला लुक ट्राई किया था धोती ड्रेप में उसी का अलग वर्जन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा साड़ी का एंड वाला पोर्शन है कॉर्नर है उसको लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं इसकी प्लीट्स बना लूँगी और अच्छे से अरेंज कर लूँगी। अब ज़्यादा अरेंज नहीं करना है, सिर्फ पल्लू का पोर्शन हम जितना लेते हैं उसी के हिसाब से मैं इसको अरेंज करना चाहूँगी। अभी साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है और एंड वाला पोर्शन है दोनों तरफ से साड़ी सेम है, यहाँ इसको पल्लू वगैरह नहीं दिया हुआ है। सो अभी पल्लू का पोर्शन और एंड वाला पोर्शन दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से प्लीट्स बना लेने हैं और प्लीट्स बना कर अच्छे से अरेंज कर लेना है। अभी अरेंज करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको इस तरीके से मेरे लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल दूंगी और पीछे की तरफ से फैब्रिक को लाते हुए सामने की तरफ लाएंगे और यहाँ पर भी हमने पोर्शन बना लिया था सेफ्टी पिन से सो इसको भी मैं राइट वाले शोल्डर पर डाल दूंगी और पीछे से आप देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है वो इसी तरीके से छूटा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो फैब्रिक है पीछे की तरफ हमारा बचा हुआ आएगा। सो इस यहाँ पर अब मैं इसके प्लेट्स बनाने वाली हूँ। सो देखिएगा फर्स्ट वाला जो ड्रेप हमने सेकंड वाला जो ड्रेप देखा था धोती का इनोवेशन उसी में ये थोड़ा सा अलग है। पीछे के साइड में ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर पीछे के साइड में थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से प्लीट्स यहाँ पर हमारी आएगी और एक रिंकल्स हमारे दोनों तरफ से आएंगे, एक इनोवेटिव और अलग लुक हमारा ये लगेगा। जो पीछे की तरफ हमारे प्लीट्स का पोर्शन आया है ये वाला, ये इसी को हम अच्छे तरीके से ऐसे ही छोड़ देंगे और एक वेस्ट बैंड के साथ इसको कैरी कर लेंगे। सो ये वाला जो ड्रेप है इस तरीके से लगेगा। सामने की तरफ से भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। पीछे की तरफ से ये लुक इस तरीके से लगेगा और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मॉडर्न हम इसको कहेंगे। आप चाहे तो किसी भी जीन्स वगैरह के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, 3/4 वाला जीन्स आप वेयर कर सकते हैं या फिर फुल जीन्स अगर आप पहनना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये लुक बहुत सुंदर लगता है, एक न्यू लुक हम इसको कह सकते हैं। अभी मैं आपके साथ जो फिफ्थ वाला लुक है वो शेयर करना चाहूँगी। तो इसके लिए साड़ी का कॉर्नर लेंगे और इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है इसको अब मैं यहाँ पर एक नॉट के साथ इसको कैरी करना चाहूँगी। एक नॉट बांध लेंगे यहाँ पर हम अच्छे से टाइटली, आप चाहे तो बो की तरह भी इसको सेट कर सकते हैं। अभी एक रबर बैंड लेना है और यहाँ पर कमर में हमें इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। साड़ी के ऊपर से ही सेट करेंगे और बाद में ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से
सेट करेंगे। बाद में यहाँ पर जो फैब्रिक आएगा ये खुला आएगा, तो इसको हमें सेफ्टी पिन लगा कर अच्छे से सेट कर लेना है। अब साड़ी का जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको मैं इस तरीके से लूँगी और यहाँ पर हमने जो रबर बैंड लगाया था उसमें मैं इसको टक इन करना चाहूँगी। और टक इन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा मैंने फर्स्ट राउंड यहाँ पर ले लिया है, अभी मैं यहाँ पर सेकंड राउंड फिर से लेना चाहूँगी ताकि जो ड्रेपिंग है वो परफेक्टली और नेट एंड क्लीन आए। अगर आपकी साड़ी की लेंथ छोटी है तो आप सिर्फ फर्स्ट राउंड के साथ ही इसको कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड लेना ज़रूरी है, लेकिन मैंने लिया है, साड़ी की लेंथ भी मेरी बड़ी थी सो इसलिए। अभी बची हुई जो साड़ी की फैब्रिक है सो इसके मैं प्लीट्स बना लूँगी और प्लीट्स बनाकर अच्छे से इसको अरेंज करते हुए हमने जो बस रबर बैंड लगाया है तो वहाँ पर इसको टक इन कर देंगे। ये जो साड़ी है बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है, लेकिन इसका फैब्रिक साड़ी की तरह नहीं है, पर्दे का जो फैब्रिक वगैरह होता है उस तरीके का ये साड़ी है। सो इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी और बाद में धन इसको कमर में इस तरीके से टक इन कर दूँगी। टक इन करने के बाद ये वाला जो साड़ी का अभी पोर्शन आता है ये एक तरफ से, सो इसको मैं इस तरीके से पीछे से लाऊंगी और पीछे से लाते हुए बाकी का जो फैब्रिक है उसको टक इन कर देंगे और देन यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए अब मैं इसको कमर में टक इन करना चाहूँगी। बाद में एक वेस्ट बैंड के साथ इसको हम कैरी करेंगे। एक हाफ शोल्डर ड्रेस हमारा बहुत ही ईजीली बहुत सुंदर ये लुक के साथ हमारा रेडी हो जाता है। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं और पीछे से भी ये जो लुक है वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा अरेंज हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको सभी लुक अच्छे लगे होंगे। कौन सा लुक आपको पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।